वाकई यूक्रेन को लेकर दुनिया की दो महाशक्तियों अमेरिका और रूस के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं, लेकिन इस समय दुनिया की नजर भारत पर टिकी हुई है। पूरा विश्व जानना चाहता है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच बगावत हुई तो भारत किसकी तरफ होगा, क्योंकि ये लड़ाई यूक्रेन के नाम पर रूस और अमेरिका के बीच होगी। बारूद, उगलते टैंक, मिसाइल बरसाते S-400 और समुद्र को चीरते वॉरशिप, जल से लेकर जमीन और आसमान तक, ये सब कुछ महायुद्ध की ओर इशारा कर रहे हैं। यूक्रेन को लेकर दो सुपर पावर देश रूस और अमेरिका आमने सामने आ चुके हैं। अमेरिकी बॉम्बर यूरोप में गश्त लगा रहे हैं, वहीं रूस ने भी हाइपरसोनिक मिसाइलें तैयार कर दी हैं। मतलब रूस और अमेरिका के बीच टेंशन हाई है, युद्ध का काउंटडाउन शुरू है। लेकिन यहाँ दो सवाल बहुत ही अहम है। पहला, युद्ध में भारत किसका पक्ष लेगा, अमेरिका या रूस का? दूसरा सवाल कि अगर रूस अमेरिका के बीच जंग होगी तो भारत पर क्या असर पड़ेगा? आखिर इस मुद्दे पर भारत दोनों में से किस देश का साथ देगा? ऐसे कई सवाल लोगों के जहन में बने हुए हैं, तो चलिए जानते हैं कि आखिर भारत इस महाजंग में किस देश का साथ देगा। दरअसल वर्ल्ड वॉर में इस वक्त भारत काफी अच्छी पोजीशन में है, खासकर LAC पर चीन को करारा जवाब देने के बाद भारत वर्ष के हौसले बुलंद हैं। हिंद की ताकत का एहसास पूरी दुनिया को हो चुका है और दोनों ही सुपर पावर अमेरिका और रूस से हिंदुस्तान के रिश्ते अच्छे हैं। जानकार बताते हैं कि युद्ध से पहले की कूटनीतिक युद्ध में दोनों ही मुल्क मजबूत भारत को अपने पाले में करना चाहेंगे। S-400 एयर डिफेंस डील पर भी संकट मंडरा सकता है। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस की बारूदी तैयारी ने सुपर पावर अमेरिका को चौंका दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से एक घंटे फोन पर बातचीत भी की, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, जिसके बाद बाइडेन ने ऐलान किया कि रूस अगर यूक्रेन पर हमला करता है तो वो मॉस्को के खिलाफ बेहद कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अगर रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाता है तो इससे भारत की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इतना ही नहीं, S-400 एयर डिफेंस डील पर भी संकट मंडरा सकता है। आपको बता दें कि S-400 एयर डिफेंस का एक ऐसा सिस्टम है जिसे दुश्मनों का सबसे बड़ा संहारक और युद्ध के मैदान का महाकवच कहा जाता है। सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस S-400 की पहली खेप दिसंबर के महीने में रूस से भारत पहुंच चुकी है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार भारत की करीब 60% सैन्य आपूर्ति रूस से होती है और ये एक बेहद अहम पक्ष है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब पूर्वी लद्दाख में चीन और भारत के सैनिक आमने सामने होते हैं तो ऐसे में यूक्रेन के मामले में भारत रूस को नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकता। दूसरी तरफ अमेरिका और नाटो के देश हैं जो इस वक्त यूक्रेन के साथ खड़े हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि LAC पर चीन के साथ तनाव के बीच अमेरिका ने हमेशा भारत का साथ दिया। अमेरिका के अलावा यूरोप CR भी भारत के अहम साझेदार हैं। भारत चीन सीमा पर निगरानी रखने में भारतीय सेना को अमेरिकी पेट्रोल एयरक्राफ्ट से मदद मिलती है। सैनिकों के लिए विंटर क्लोथिंग अमेरिका और यूरोप से आयात होता है। ऐसे में भारत ना तो रूस को छोड़ सकता है और ना ही पश्चिम को, यानी कि रूस यूक्रेन संकट भारत के लिए भी संकट बन गया है। यहाँ एक बात और अहम है कि रूस तेल और गैस का एक बड़ा उत्पादक देश है। अगर युद्ध शुरू हुआ तो आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पेट्रोलियम और गैस के दाम तेजी से बढ़ सकते हैं, महंगाई चरम पर पहुंच सकती है और इस सब का असर भारत पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा युद्ध के हालात में भारत के सामने एक और चुनौती निपटने की होगी, वो ये कि यूक्रेन से हजारों भारतीयों को बाहर निकालना होगा। अमेरिका और रूस दोनों ही देश भारत का साथ चाहते हैं। विश्व बिरादरी में भारत की अहमियत इसलिए भी ज्यादा हो जाती है क्योंकि PM मोदी एक बार फिर से लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं। US फर्म के मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के मुताबिक नरेंद्र मोदी 75% रेटिंग के साथ नंबर एक पर हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मैक्सिकन राष्ट्रपति आंद्रे मैनुएल लोपेज ओब्राडोर हैं, जिनकी रेटिंग 67% है। इसके बाद तीसरा नंबर इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी का है, जिन्हें 60% रेटिंग मिली है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की 41% रेटिंग के साथ पांचवें नंबर पर वो हैं। बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही मौजूदा हालात में अमेरिका और रूस दोनों ही देश भारत का साथ चाहते हैं, लेकिन भारत ना किसी से दोस्ती और ना किसी से पैर वाले फॉर्मूला पर ही चलना चाहेगा। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि S-400 डील पर अमेरिका की नाराजगी के बावजूद भारत ने रूस से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा। भारत में इसकी पहली डिलीवरी भी हो गई, लेकिन अमेरिका इस पर चुप्पी साधे रखा। ये सब कुछ भारत के बढ़ते इंटरनेशनल इमेज का नतीजा है। लेकिन जानकार कहते हैं कि अगर रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया तो इंडो पैसिफिक रीजन की स्ट्रेटजी भी प्रभावित हो सकती है, इसीलिए भारत इस मामले में फूक-फूक का कदम रखेगा। लेकिन रूस के पाले में चीन खड़ा है, जिसकी बगावत भारत और अमेरिका दोनों ही मुल्कों से है, इसीलिए अमेरिका चाहता है कि भारत खुलकर उसका साथ दे।
लेकिन इन सभी के बीच ये सवाल आता है कि ये सब हुआ कैसे। दरअसल अगस्त 1991 में यूक्रेन ने सोवियत यूनियन से आजादी की घोषणा की। उसी साल 1 दिसंबर को जनमत संग्रह हुआ, जिसमें 90% यूक्रेनियन ने सोवियत यूनियन से अलग होने के पक्ष में वोट दिया। अगले दिन रूस के तब के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन, उन्होंने यूक्रेन को एक अलग देश के तौर पर मान्यता दी। उस समय रूस ने क्रीमिया को भी यूक्रेन का ही हिस्सा बताया। 1954 में सोवियत यूनियन के सर्वोच्च नेता निकिता क्रुशेव ने यूक्रेन को क्रीमिया तोहफे के तौर पर दे दिया। 2004 के राष्ट्रपति चुनाव में यूक्रेन में विंटर यानुकोविच की जीत हुई। यानुकोविच रूस के समर्थक माने जाते हैं। उनकी जीत के बाद यूक्रेन में विद्रोह हो गया। इसे ऑरेंज रिवॉल्यूशन नाम दिया गया। प्रदर्शनकारी दोबारा गिनती की मांग कर रहे थे। रूस ने इन प्रदर्शनकारियों के पीछे पश्चिमी देशों का हाथ होने का दावा किया। 2008 में विपक्षी नेता विक्टर युशिचेंको ने यूक्रेन के नाटो में शामिल होने का प्लान पेश किया। अमेरिका ने इसका समर्थन किया, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसका विरोध किया। नाटो ने जॉर्जिया और यूक्रेन को शामिल करने का ऐलान किया, लेकिन रूस ने जॉर्जिया पर हमला कर दिया और 4 दिन में ही उसके 2 इलाकों पर कब्जा कर लिया। यानुकोविच के दोबारा राष्ट्रपति बनने से हालात बिगड़ गए। 2010 के राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर से विक्टर यानुकोविच की जीत हुई। उन्होंने यूक्रेन के नाटो में शामिल होने से प्रस्ताव को खारिज कर दिया। नवंबर 2013 में यानुकोविच यूरोपियन यूनियन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने से पीछे हट गए। इस समझौते से यूक्रेन को $15 अरब का आर्थिक पैकेज मिलने वाला था। यानुकोविच के फैसले के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। फरवरी 2014 में राजधानी कीव में दर्जनों प्रदर्शनकारी मारे गए। विरोध इतना बढ़ गया कि 22 फरवरी 2014 को यानुकोविच को देश छोड़कर भागना पड़ा। यूक्रेन में यूरोपियन यूनियन के समर्थकों की सत्ता आने के बाद क्रीमिया पर हमला हो गया। आर्मी यूनिफॉर्म पहने विद्रोहियों ने क्रीमिया की संसद पर कब्जा कर लिया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ये मानने से इनकार कर दिया कि ये रूस के सैनिक हैं। मार्च 2014 में क्रीमिया में जनमत संग्रह कराया गया। इसमें 97% लोगों ने रूस में शामिल होने के पक्ष में वोट दिया। रातों रात यूक्रेन के 25,000 से ज्यादा सैनिक और उनके परिवारों को वहां से निकाल लिया गया। 18 मार्च 2014 को क्रीमिया आधिकारिक तौर पर रूस का हिस्सा बन गया। क्रीमिया पर कब्जे के बाद भी संघर्ष जारी रहा। यूक्रेन के डोनबास के 2 इलाके डोनेत्स्क और लुहंस्क में अलगाववादियों ने अलग देश घोषित कर दिया। डोनेत्स्क और लुहंस्क अभी भी अलग अलग देश हैं। 2019 के चुनाव में यूक्रेन में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने डोनबास की पुरानी स्थिति को बहाल करने का वादा किया। ज़ेलेंस्की ने सत्ता में आते ही नाटो में शामिल होने की कोशिशें तेज कर दी। नवंबर 2021 में सैटेलाइट तस्वीरों में सामने आया कि रूस ने यूक्रेन की सीमा के पास सैनिकों की तैनाती करनी शुरू कर दी है। रूस नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो, क्योंकि रूस को लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो नाटो के सैनिक और ठिकाने उनकी सीमा के पास आकर खड़े हो जाएंगे। अभी रूस और यूक्रेन के बीच काफी तनाव बढ़ गया। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने चिंता जताई है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के पास 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक और हथियार तैनात कर दिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।